हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर के बारे में। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन। आप 110% इसको वीवीआई में करके रखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट उसके पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। आप अगर हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बनना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल सा उसके लिए प्रोसेस है। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना, और साथ ही साथ इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आपको बहुत ही लो कॉस्ट नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7 जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। सो दीज आर द फॉलोइंग बेनिफिट्स यू विल गेट इफ यू विल टेक आवर मेंबरशिप प्लान, जो कि बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगा कि आप जब भी स्टडी करें, हमारे चैनल पे आने के बाद जो हमारा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आकर के स्टडी करें। प्लेलिस्ट के थ्रू अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि सारी चीजें जो वीडियोस हैं वो वन बाय वन ऑर्डर में यहाँ पे सजाई हुई हैं, है ना। जो भी प्लेलिस्ट आपको दिखेगा, जो भी पढ़ना है आपको, उसके ऊपर क्लिक करना है, सारी वीडियोस वन बाय वन चलनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए फिर टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यू नो बोनस शेयर। तो बोनस शेयर के कुछ कुछ फायदे हैं और कुछ कुछ नुकसान भी है उसको इशू करने के, ठीक है। तो इसको हम बात करेंगे सबसे पहले, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि बोनस शेयर आखिर होता क्या है। देखो, बोनस शेयर का मतलब होता है एक ऐसा शेयर जो कि कंपनी आपको फ्री में प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। उसकी वैल्यूएशन हालांकि जब आपको प्रोवाइड करती है तो उससे कुछ खास इशू नहीं पड़ता। आपकी वैल्यूएशन जो है, आपने सपोज 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करा है तो आपको 10,000 रुपए ही मिलेंगे, लेकिन जो वैल्यू, जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो आपके बढ़ जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे साथ भी हुआ था ये हाल ही में। मेरे पास आईएक्स का शेयर था, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिसके 10 शेयर मेरे पास थे, ठीक है ना। तो 10 शेयर में ये कंडीशन रखा गया कि एक शेयर के बदले आपको 2 शेयर मिलेगा, मतलब एक शेयर के बदले मुझे 2 शेयर एक्स्ट्रा मिलने वाले थे, मतलब टोटल हो गया 3 शेयर। तो 10 शेयर के बदले मतलब टोटल कितने मिले, 20 शेयर एक्स्ट्रा मिले, तो टोटल मेरे पास हो गया 30 शेयर। वैल्यूएशन हालांकि उतनी ही रही, वैल्यूएशन 6,000 रुपए ही रही, लेकिन मेरे शेयर जो है ना उनके नंबर 10 से बढ़कर के कितने हो गए, 30 हो गए। तो बोनस का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा शेयर आपको देना। अब उसका रेशियो कुछ भी हो सकता है, 1:5 हो सकता है, एक शेयर के बदले 5 शेयर, एक शेयर के बदले 1 शेयर भी होता है, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, बट इस तरह से जो है एक तरीके से दिए जाते हैं शेयर्स कंपनी के द्वारा अपने इन्वेस्टर्स को। अब इसको देने के फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ एडवांटेजेस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी। कंपनी के व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए तो इसको क्या क्या फायदे हैं, है ना। सो लिक्विडिटी और वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नॉट अफेक्टेड एज द बोनस इशू डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश पेमेंट, है ना। तो जो कंपनी की जो लिक्विडिटी होती है, फिर जो वर्किंग कैपिटल होता है, उसका बोनस शेयर से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप बोनस इशू करते भी हो तो उसका लिक्विडिटी या फिर वर्किंग कैपिटल जो कि कंपनी का है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि आप किसी भी तरह का कैश पेमेंट यहाँ पे नहीं कर रहे हो, आप बस अपने शेयर्स को फ्री में दे रहे हो। द शेयर कैपिटल रिमेन्स द सेम एंड द प्रॉफिट एंड द रिजर्व गोज ऑन इंक्रीजिंग द डिस्पैरिटी बिटवीन द एसेट्स एंड रिजर्व ऑफ द कंपनी इज रिड्यूस्ड थ्रू द इशू ऑफ बोनस शेयर, है ना। तो जो शेयर, जो कैपिटल जो होता है वो एक तरीके से सेम रहता है, एंड जो प्रॉफिट एंड रिजर्व होता है वो एक तरीके से इंक्रीज होता है आपका, क्योंकि आपका जो कि शेयर के नंबर्स बढ़ गए हैं तो वहां पर ट्रेडिंग होगी तो वहां से जो प्रॉफिट निकल करके आएगा उसके कारण से आपका जो रिजर्व है, जो एसेट है, वो भी बढ़ेगा, है ना। तो इंक्रीजिंग दिस डिस्पैरिटी बिटवीन एसेट और रिजर्व जो होता है उसको रिड्यूस किया जा सकता है बाय इशू ऑफ बोनस शेयर्स, है ना। तो पहला बात तो शेयर कैपिटल में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है, प्लस प्रॉफिट एंड रिजर्व के कारण प्रॉफिट एंड रिजर्व जो एक तरीके से बढ़ता है ताकि वो डिस्पैरिटी जो है एसेट्स और रिजर्व के बीच में उसको दूर कर सके, उसको वो कम कर सके, इसलिए बोनस इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा। इससे कंपनी को दूसरा फायदा जो है वो ये होता है। तीसरा क्या फायदा है, बाय नॉट डिक्लेयरिंग द कैश डिविडेंड कंपनी कैन मेक इट्स लॉन्ग टर्म क्लेम्स। ऑन द अदर हैंड थ्रू इशू ऑफ बोनस शेयर शेयर होल्डर्स ऑल्सो रिमेन्स हैप्पी, है ना। तो यहाँ पे अगर आप कैश डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो आपको कैश में पैसे देने पड़ेंगे अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को। लेकिन बोनस शेयर इशू करने से क्या फायदा है कि बोनस शेयर इशू करने से आपके शेयर होल्डर जो है वो खुश भी हो जाएंगे, क्योंकि उनको एक एक्स्ट्रा शेयर मिल गया बिना कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए, है ना, समझ रहे हो। एक तो पैसे देना वो अलग चीज होगी, लेकिन उस पैसे के बदले आपको जो फ्री में एक शेयर मिल रहा है, उस शेयर के बदले एक जो फ्री में शेयर मिल रहा है उसकी खुशी एक अलग ही होती है। मैं भी बहुत खुश हो गया था कि बिना इन्वेस्टमेंट के मेरे 10 से 30 शेयर हो गए, हालांकि वैल्यू वही मिल रही लेकिन शेयर्स की संख्या बढ़ गई। जब भी प्राइसेस बढ़ेंगे तो उन शेयर्स के बेसिस पे बढ़ेंगे, है ना। तो ये एक बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे कैश डिविडेंड डिक्लेयर ना करके कंपनी अपने लॉन्ग टर्म क्लेम्स को एक तरीके से मीट कर सकती है बाय इशूइंग द बोनस शेयर, है ना। एज देयर प्रॉफिट्स आर परमानेंटली प्लॉड बैक इन द कंपनी द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड।
जैसे कि जो प्रॉफिट्स है वो कंपनी वापस से उसी में चला गया ना, डिविडेंड चूंकि हमने कुछ दिया नहीं, तो जो जो भी पैसा था आपका डिविडेंड का, वो पैसा तो कंपनी के पास वापस आ गया। तो जब पैसा जो कंपनी के पास वापस आ गया, रिजर्व में रह गया, तो उसके कारण से जो कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस है उसमें भी बढ़ोतरी हुई। कंपनी को किसी से लोन नहीं लेना होगा, डेट नहीं लेना होगा, है ना। सबसे बड़ा फायदा तो प्रॉफिट का ही होता है कि आप री इन्वेस्ट करते हो अपने पैसे को। सो दीज आर द फोर एडवांटेजेस अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी। अब हम बात कर लेते हैं कि पॉइंट शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इसके एडवांटेजेस है, ठीक है ना। पहले हम लोगों ने एडवांटेजेस की बात की फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ शेयर होल्डर्स। सो फॉर फुलफिलिंग देयर रिक्वायरमेंट, शेयर होल्डर के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, कैश रिक्वायरमेंट्स होंगी, द शेयर होल्डर्स कैन डिस्पोज ऑफ देयर बोनस शेयर, है ना। तो उनको सपोज कैश रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने बोनस शेयर को वो लोग मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, मार्केट में वो बेच सकते हैं, राइट। द शेयर होल्डर्स विल रिसीव इंक्रीज डिविडेंड इन द फ्यूचर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन देयर शेयर होल्डिंग। तो कंपनी को, अगर कंपनी ने कभी अगर इन फ्यूचर जाकर कोई डिविडेंड इशू किया, तो डिविडेंड जो इशू होता है वो पर शेयर इशू होता है। तो पहले मेरे पास 10 शेयर थे, तो पर शेयर मेरे पास सपोज 2 रुपए करके डिविडेंड हुआ, तो 10 शेयर का मुझे 20 रुपया डिविडेंड मुझे मिला। लेकिन अब जो बोनस इशू के कारण मेरे शेयर 30 हो गए थे, उसमें 2 रुपए करके अब मुझे कितने मिलेंगे, 60 रुपए डिविडेंड मिलेंगे। कहां 20 मिल रहा था, कहां 60, 40 रुपए की बढ़ोतरी, आप समझ रहे हो। तो एक तरीके से जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड इंक्रीज होकर के मिलता है, अगर बाद में किसी भी तरह का शेयर फ्यूचर में अगर किसी भी तरह का डिविडेंड इश्यू होता है तो, राइट। थर्ड बेनिफिट, थर्ड एडवांटेज जो है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ शेयर होल्डर, वो ये है कि बोनस इशू एनेबल्स द शेयर होल्डर टू इंक्रीज देयर होल्डिंग्स इन सक्सेसफुल कंपनीज। तो बोनस शेयर जब इशू होता है, तो एक तरीके से शेयर होल्डर अपने यू नो होल्डिंग्स को इंक्रीज कर सकता है किसी भी कंपनी में, है ना। पहले 10 शेयर था मेरा होल्डिंग में, अब 30 शेयर हो गया है, राइट। द प्राइस ऑफ हुज शेयर इज वेरी हाई एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू परचेज देयर शेयर्स फ्रॉम ओपन मार्केट। तो ऐसे कोई शेयर्स है सपोज जिसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई है, जिसको परचेज करना बहुत ही मुश्किल काम है ओपन मार्केट में, वहां पे अगर आपको फ्री में शेयर्स मिल रहे हैं, वहां पे अगर आपको राइट बोनस इशू हो रहे हैं, तो इससे बड़ा बेनिफिट तो आपके लिए कुछ हो नहीं सकता, है ना। तो इसके कारण से शेयर होल्डर जो होता है वो अपनी होल्डिंग भी इंक्रीज कर पाता है सक्सेसफुली, और वो खुश भी रहता है क्योंकि उसके लिए कुछ उसको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी, है ना। द शेयर होल्डर्स इन द हाई टैक्स ब्रैकेट्स आर पर्टिकुलरली बेनिफिटेड बिकॉज देर इज ओनली कैपिटल गेन टैक्स ऑन द सेल ऑफ सच शेयर्स व्हिच इज मच लेसर देन द टैक्स ऑफ अदर इनकम, है ना। तो यहाँ पर जो टैक्स है वो भी आपको कम पे करना पड़ता है, जो कैपिटल गेन टैक्स है वो सिर्फ आपको उसी के ऊपर पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको बेनिफिट भी मिलता है। तो इसके कारण से जो आप अदर इनकम पे जो टैक्स पे करते हो उसके मुकाबले इसमें टैक्स बहुत ही कम पे करना है। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे आपको टैक्स जो है बहुत ही कम पे करना है, है ना। सो द शेयर होल्डर इन द हाई टैक्स ब्रैकेट, जिनका जो हाई टैक्स ब्रैकेट में, सपोज जिनकी इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है, जिनको 30% का टैक्स पे करना पड़ता है, उनके लिए खासकर बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे उनको जो है कैपिटल गेन टैक्स का जो है बेनिफिट मिलेगा। देयर इज ओनली कैपिटल गेन टैक्स ऑन द सेल ऑफ सच शेयर्स, है ना, सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स ही लगेगा, विच इज मच लेसर देन द टैक्स ऑन देयर अदर इनकम, है ना, जो कि अदर इनकम के मुकाबले काफी ज्यादा कम होता है। सो दिस इज द फोर एडवांटेज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ शेयर होल्डर्स, है ना। तो दो हम लोगों ने व्यू पॉइंट किया, एक तो कंपनी किया और एक दूसरा फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ शेयर होल्डर किया। अब कर लेते हैं डिसएडवांटेज की, इसको इशू करने के क्या क्या नुकसान है, है ना। सबसे पहला नुकसान है द इशू ऑफ बोनस शेयर समटाइम्स लीड टू द ड्रास्टिक फॉल इन द मार्केट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स एंड द एडवांटेजेस गेन्ड बाय द शेयर होल्डर्स इज न्यूट्रलाइज्ड ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस ऑफ द शेयर। मेरे साथ ये हालांकि हो चुका है, IEX का शेयर प्राइस जो है काफी ज्यादा नीचे अभी है, है ना। तो इसके कारण से समटाइम्स क्या होता है कि मार्केट प्राइस जो होता है उस शेयर का, उसमें ड्रास्टिकली फॉल आता है, और उसके कारण जो प्राइसेस हैं उस शेयर की वो गिरती जाती हैं, है ना। तो जो भी आपने एक तरीके से एडवांटेज कमाया था बीइंग अ शेयर होल्डर, आपको वो सारे के सारे जो एडवांटेज है वो आपके लैप्स हो जाते हैं अगर आप उसको सेल नहीं करते हो तो, है ना। तो ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज यहाँ पे बताया जा रहा है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है, द बोनस इशू इनकरेज द स्पेकुलेटिव डीलिंग्स इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी इन द मार्केट, है ना। तो बोनस इशू के कारण जो कंपनी है उसके अंदर स्पेकुलेटिव डीलिंग्स होने लगती है। स्पेकुलेटिव मतलब एक तरीके से अंदाजा लगा करके, जो सट्टा होता है ना, सट्टे वाली डीलिंग होने लगती है कि चलो पैसे लगा देते हैं, चलेगा तो चलेगा, नहीं चला तो नहीं चला। तो यहाँ पे कंपनी को एक तरीके से नुकसान हो सकता है, है ना। तो मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर के ऊपर अगर स्पेकुलेटिव डीलिंग हो रही है तो वो अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन बोनस जैसे ही आप इशू करोगे तो इसके ऊपर स्पेकुलेटिव डीलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, इसमें नॉर्मल डीलिंग नहीं होगी, है ना। क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई शेयर इशू हो रहा है, क्या बात है, फ्री में शेयर इशू हो रहा है, तो चलो इसमें शेयर खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे लोग यू नो स्पेकुलेशन करने लगते हैं और प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होने लगती हैं, जिसका नुकसान जो है कंपनी को समटाइम झेलना पड़ता है। एज ओनली द कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्रीजेज एंड नॉट द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी,
विद द बोनस शेयर एज अ रिजल्ट द रेट ऑफ डिविडेंड रिड्यूसेस, है ना। तो जैसा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो कंपनी की कैपिटल है सिर्फ उसमें बढ़ोतरी हो रही है, ना कि उसके प्रॉफिट में, है ना। तो कंपनी के कैपिटल में बढ़ोतरी हो रही है, प्रॉफिट में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसके कारण से जो डिविडेंड होगा वो भी उनको कम मिलेगा, क्योंकि डिविडेंड मिलता है फ्रॉम द अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ऐसा ऐसा पैसा जो कि लोगों में एज ए प्रॉफिट एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं, राइट। तो प्रॉफिट ना डिविड एक तरीके से इशू हो रहा है, कम कैपिटल तो होता नहीं है, तो यहाँ पे कैपिटल बढ़ रहा है प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, तो इसके कारण जो डिविडेंड होगा वो भी एक तरीके से आपका रिड्यूस हो जाएगा और आपको वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा डिविडेंड का। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इशू अ बोनस शेयर। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।